के साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। हम बात करेंगे क्रिकेट की। आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा केप टाउन में। 26 साल बाद ऐसा पहली बार होगा कि टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका में हार तय नहीं है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ दो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे सबसे पहले करा दूं। रोहित मिश्रा हैं जो आज टीम इंडिया के प्रदर्शन और क्या क्या चैलेंज होंगे उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साउथ अफ्रीका में जो अब तक सीरीज हुई है उसमें इतिहास कैसा रहा है वो बताएंगे मेरे सहयोगी हरि किशन। लेकिन शुरुआत करेंगे रोहित मिश्रा से। रोहित, टेस्ट में खराब प्रदर्शन था, मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है वनडे में टीम इंडिया का। आज श्रीकांत, अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास एक हिस्ट्री बनाने का एक मौका है, और इसलिए है कि इंडिया की टीम एक मजबूत दिख रही है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज मजबूत दिख रही है, उनके जो प्लेयरों का परफॉर्मेंस है, जो टेस्ट में जो चीज़ कमी के रूप में थी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में अच्छी दिख रहे हैं। साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से उन्होंने पिछले मैच में हराया, अपने आप में एक बड़ा मार्जिन था। तो उम्मीद है कि उस जो पूरा टेम्परामेंट है उसको वो कायम रखेंगे, और जो कमज़ोर कड़ी दिख रही है वनडे मैचों में स्पिन गेंदबाजी अफ्रीका के लिए, तो भारत के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो कि कुलदीप और चहल दोनों ही अपने जबरदस्त फॉर्म में हैं। चहल के प्रदर्शन पे बात करेंगे, लेकिन हरि किशन जी, जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया कर रही है वनडे में वाकई तारीफ के काबिल है। हाँ, उसकी वजह है कि सारे डिपार्टमेंट ने पिछले दो मैच में बहुत अच्छा किया है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। अगर हम चहल और कुलदीप यादव की बात करें तो दोनों ने दोनों मैच में 13 विकेट लिए, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, और इसी वजह से ये हुआ है कि पिछले दो मैच में साउथ अफ्रीका को बहुत करारी हार दी। और अगर हम बैटिंग लाइन की बात करें तो मैं विराट कोहली ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा, और उनका एवरेज जो बैटिंग औसत रहा है वो 158 रहा है, और इसी तरीके से धवन और रहाणे ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की है। लास्ट मैच में रहाणे ने 79 रन बनाए थे, और उधर धवन ने दो मैच में करीबन 86 के औसत से बैटिंग की हुई है। तो कुल मिला के आज के मैच में भी अगर अपन देखें तो पिच जो है वो काफ़ी रोल अदा करेगी। अगर तेज पिच ही कही जा रही है, और उसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे जो प्लेयर्स हैं, बुमराह है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये रोहित, पिच तेज, इंटरेस्टिंग ये है कि पिच तेज है। केप टाउन में पहला टेस्ट मैच हुआ था और उसमें इंडिया के गेंदबाजों ने 17 विकेट लिए थे, तेज गेंदबाजों ने दोनों पारियों को मिला के। ये पिच तेज है, लेकिन कल अफ्रीका ने जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं अफ्रीका में, उनके 5 स्पिन गेंदबाजों को बुलाकर पूरे दिन प्रैक्टिस की है, तो पिच तेज है। तेज अगर पिच होती है तो हो सकता है कि इंडिया के लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो, लेकिन ये अफ्रीका इस बात के लेकर तैयार है कि अगर स्पिन ट्रैक होता है तो वो कुलदीप का और चहल का एक तोड़ खोजने में वो कामयाब रहे। तो देखना ये भी होगा कि भारत का जो लास्ट जो उनका अंतिम 11 होते हैं उसमें वो कितने तेज गेंदबाज खिलाते हैं, क्योंकि केपटाउन का जो पूरा ट्रैक है वो फास्ट ट्रैक है। 3 दिन में मैच खत्म हो गया था, पहला मैच खत्म हो गया था, और इंडिया की उसमें हार हुई थी। तो ये एक टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा प्रश्न होगा कि वो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं केपटाउन के, या वो मानते हैं कि स्पिन खेल पाने में अफ्रीकन अभी अक्षम है, उनके यहाँ कोई ऐसी बल्लेबाज दिख नहीं रहा है, डिविलियर्स टीम से बाहर। रोकना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इस तेज पिच भी रहती है तो भुवनेश्वर है अपने पास, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, तो ये जो 3 प्लेयर हैं और अभी इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा पिछले 2 मैचों में, तो ये मुश्किल तो पैदा कर देंगे। अच्छी बात है, भारत के पास छित भी है, पट भी है। मैं ये जो जैसे कहा हरि जी ने, भारत के जो 4 गेंदबाजों ने केपटाउन में 17 विकेट लिए थे, यानी अगर पिच फास्ट बनती है तो फास्ट में हमारे पास लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन बनती है तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा लाइन और लेंथ जो है ना, वो इन 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 तीनों गेंदबाजों की जो है वो बहुत परफेक्ट रही है पिछले लेंथ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं और थोड़ी अबूझ पहले बने हुए हैं। कुलदीप भी क्या होता है, जब कोई नया प्लेयर इंट्रोड्यूस होता है तो तब तक उसकी बल्लेबाज काट नहीं खोज पाते हैं, अश्विन के लोगों ने काट खोज ली थी, अब चहल की और कुलदीप की भी तक काट नहीं खोज पाए हैं, तो उनके लिए एक थोड़ा एक पहेली बने हुए हैं कि इस
पहेली को सॉल्व कैसे किया जाए। विराट कोहली के लिए बहुत बढ़िया प्लेयर निकले हैं चहल, और एक और एक टीम इंडिया के लिए एक बहुत एडवांटेज ये है, और साउथ अफ्रीका के लिए साइकोलॉजिकल एक उसके ऊपर असर पड़ा है कि उनके जो अच्छे प्लेयर्स थे उनके करीबन 3 से 4 प्लेयर जो हैं वो इस समय चोटिल होने के कारण फैक्टर काम नहीं कर रहा है। डुप्लेसिस नहीं है, डिविलियर्स नहीं है, डिकॉक नहीं है, और डेल स्टेन भी बाहर हो चुके हैं। कह सकते हैं अमला एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो इंडिया के स्पिनर खेलते रहे हैं। अमला का जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया में आके जो रहा है अच्छा रहा है। अमला टर्निंग ट्रैक पे खेल लेते रहे हैं, लेकिन जो पूरी नए जो बल्लेबाज हैं जिनका भी सामना हो रहा है पहली बार, उनके लिए थोड़ी सी समस्या वाली बात है कि वो किस तरह से ये जो दो नए गेंदबाज सामने प्रकट हुए इनको कैसे वो सामना करें। डी फैक्टर नहीं है क्या टीम इंडिया के लिए, यही एक्स फैक्टर माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके उनके एबी डिविलियर्स जो है वो अपने आप में उसके आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छे से खेलते रहे, और वो भारत के खिलाफ भी उनका जो पहला रिकॉर्ड रहा है वो भी पहला अच्छा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल उनके ऊपर भी पूरी टीम के ऊपर भी असर है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत अगर ये मैच जीत जाता है तो अभी तक के 26 साल के इतिहास में ये बहुत बड़ी चीज़ रहेगी कि भारत कम से कम ये सीरीज हारेगा नहीं। अभी तक जो करीब 6 मैच हुए हैं, 6 सीरीज हुई हैं, 7वीं सीरीज खेली जा रही है, तो 6 सीरीज में वो लगातार हारी है। और 1992 में पहली सीरीज हुई थी, पहली सीरीज में भारत जो है वो साउथ अफ्रीका से 5-2 से हार गया था, और ठीक इसी तरह जो था 1997 में हुई थी सेकेंड सीरीज, उसमें भी 4-0 से हार गया था। उसके बाद 2001 में हुई थी तो 3-1 से हार गया था। उसके बाद 2006 में हुई थी तो वहाँ भी मतलब 4 मैचों की सीरीज थी, वो चारों के चारों हार गई थी। और 2011 में भी यही स्थिति थी कि वो 2-3 से हार मिली थी भारत को। इसके अलावा 2013 में भी 2-0 से हार मिली हुई थी। तो अभी इस बार टीम भी अच्छी है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी रही हैं, अपनी मतलब बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है, बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि हम इस मैच को जीत गए तो कम से कम हारेंगे तो नहीं, और वो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, वो मतलब रिकॉर्ड टूटे एक कदम और दूर रहेंगे बस, सिर्फ एक कदम। हाँ नहीं, जिस तरह का अभी पूरा मिजाज है, जिस तरह का अभी अप्रोच है टीम इंडिया की, 9 विकेट से हराना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक 50 ओवर के मैच में आपने उसको 20 ओवर का मैच कर दिया है, और 20 ओवर के पहले आपने मैच जीत लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ 2 प्लेयर्स चले हैं शुरुआत के, अभी रोहित शर्मा का बल्ला वनडे में खामोश है, अभी हार्दिक पांड्या ने कोई स्कोर नहीं किया, अभी धोनी ने कुछ स्कोर नहीं किया, तो अभी जो प्लेयर नहीं चले हैं उनके चलने की बारी है। तो और हो सकता है कि यदि आज भारत को पहले खेलने का मौका मिले तो भारत एक बड़ा स्कोर बनाए, जो कि अब तक की सीरीज में देखने को नहीं मिला है। यानी कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी पूरी हाँ, पिक्चर बाकी, पिक्चर अभी बाकी। अगर आज का मैच भारत जीतता है तो जाहिर सी बात उसके पास, जैसा हरी जी ने कहा, उसके पास खोने के लिए चीज़ें नहीं रह जाएंगी, फिर तो वो जीतने के मूड से ही रहेंगे। और जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो उनके महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, ये जो प्लेयर हैं एक्चुअली जिनका नाम अभी हम कर रहे थे, तो ये सब प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, तो जो प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं वो भारत की पिच से वाकिफ होते हैं, साथ साथ भारत के स्पिनरों से वाकिफ होते हैं। तो ये इनके प्लेयर के ना खेलने से एक जो एक्सपीरियंस की कमी दिख रही है स्पिन को ना खेल पाने की, वो साफ साफ उसमें टीम में झलक रही है, और वो उनकी बड़ी कमजोरी बन के निकल कर आई है। हरिकेशन जी, साउथ अफ्रीका के पास क्या चैलेंज होंगे और क्या गलती कर रही है, क्योंकि आपके पास एडन है, आमला भी फॉर्म में माने जाते हैं टीम इंडिया के लिए खास तौर पर, लेकिन वो उनसे ऐसी पारी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उसकी वजह है कि पूरा जो गेम है ना, पूरा मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल हो गया पूरा गेम जो है। और अभी साउथ अफ्रीका को एक तरीके से लग रहा है कि भारत का जो बैटिंग ऑर्डर है, भारत की जो बॉलिंग है, उनको तोड़ नहीं मिल पा रहा है जी। तो जहाँ उन्होंने जो अपनी टेस्ट सीरीज जीती थी, वहीं वनडे में जो है वो अभी उनको इस तरीके की उनका परफॉर्मेंस सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कैपटाउन में जो एक सरप्राइज फैक्टर ये भी हो सकता है, भले ही हम ये रहे, लेकिन कैपटाउन में साउथ अफ्रीका का जो जीत का रेशो रहा है वो 85% रहा है जी। हाँ, तो और उसने अभी तक यहाँ पर 33 मैच खेले हैं, 33 वनडे मैच खेले हैं, और उसमें से वो 28 के करीब 28 जीत चुकी है, यानी 25% मैच वो जीती है। और अगर वो इसी रिकॉर्ड को कायम रखा रहा उसने, तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकता है, भारत के लिए मुश्किल है रोहित, रिकॉर्ड की भारत के लिए सब प्लस पॉइंट ही हैं। भारत के लिए इस पूरे सीरीज में
ऐसी खबरें हैं कि डिविलियर्स चौथे वनडे में लौट सकते हैं चोट के बाद, तो हो सकता है कि तीसरा मैच हारने के बाद अफ्रीका फिर से जोश में आए और अपनी पिचों को वैसा बनाए जो उनकी स्ट्रेंथ है। तेज गेंदबाजी हमारे पास भी, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ है, वो जो दोनों मैच जीते थे टेस्ट मैच में वो अपनी बॉलिंग की वजह से जीते थे। तो जब तीसरे मैच के बाद जब उनके मेन प्लेयर वापस लौटते हैं तो हो सकता है कि एक फिर भिड़ंत हमें देखने को मिले जो अब तक हमने मिस किया है। लेकिन अभी तो देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और अगर मैच जीत जाते हैं तो 26 साल में ऐसा पहली बार होगा कि साउथ अफ्रीका में कोई सीरीज हम नहीं हारेंगे, क्योंकि इससे पहले जो छह सीरीज हुई है उसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। तो फिलहाल इस खबर पर आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए दैनिक भास्कर.com। नमस्कार।